हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो राम सेतु का टीजर आ गया है, तो कैसा है इसका टीजर आइए जानते हैं। शंखनाद के साथ जब ट्रेलर की शुरुआत होती है तब ऐसा लगता है कि कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलने वाला है। टीजर में अक्षय कुमार ने एक डायलॉग बोला है जो सुनने में बहुत अच्छा लगा था, जैसे कि राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, और अब ये 3 दिन में क्या होने वाला है, इन 3 दिनों में किन लोगों से राम सेतु को बचाना है, और इसके अलावा क्या खतरा है राम सेतु पे, क्या वो डूबने वाला है या कोई और खतरा है जिससे हमें राम सेतु को बचाना है, ये सब सवाल एकदम से हमारे मन में आते हैं ये टीजर देखने के बाद। अभी तो इसका टीजर सिर्फ 56 सेकेंड का आया है, और इसका टीजर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर किया था, और साथ ही में इन्होंने इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर भी शेयर किया था। अब टीजर से ये पता लग रहा है कि अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल करेंगे, और अंडर वाटर एडवेंचर भी देखने को मिलेगा, और राम सेतु से जुड़ी बहुत सी हमें बातें जानने को मिलेंगी। अब इस टीजर ने हमें सस्पेंस में तो डाला ही है कि आखिर इस फिल्म में होने क्या वाला है। टीजर में VFX थोड़े सस्ते लगे मुझे, पर ओवरऑल टीजर तो बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छे से एडिट भी किया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया है। इस फिल्म के ट्रेलर भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा, और ये फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो ये था मेरा रिव्यू इस टीजर के बारे में, जिस फिल्म का नाम है राम सेतु। और आपको क्या कहना है इस टीजर के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।